कुछ कुछ रेसिपी बहुत ही सिंपल होती है बनाने में, लेकिन खाते हुए जो मज़ा बांधती हैं उसका क्या ही कहना। एक ऐसी ही रेसिपी है उपमा की, बहुत ही सिंपली बन जाता है। उपमा जनरली रवा से बनता है, सेमोलिना से बनता है। आज हम बार्नयार्ड मिलेट यूज़ करके उपमा बनाएंगे। अब बार्नयार्ड मिलेट को इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नामों से बोला जाता है, जैसे कहीं कहीं इसे व्रत के चावल बोला जाता है, श्यामा बोला जाता है, पहाड़ों में इसे झंगोरा बोला जाता है। तो आज बार्नयार्ड मिलेट यूज़ करके उपमा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बार्नयार्ड मिलेट लिया है, यानी कि झंगोरा लिया है। अब पहाड़ों ने मुझे सीड से इंट्रोड्यूस करा था, तो अब मैं इसको झंगोरा ही बोलूँगा आगे वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे झंगोरा लिया है, इसको मैं वॉश कर लूँगा। लेकिन वॉश करने से पहले मैं इसके हेल्थ बेनिफिट बता दूँ। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, रिच इन फाइबर्स, ग्लूटन फ्री है और बहुत ही कम कैलोरीज हैं इसमें। तो मिला जुला के सुपर फूड है, तो ट्राई तो करना बनता ही है। तो मैंने यहाँ पे झंगोरे को एक दो बार पानी में धो लिया था, दो बार मैंने पानी में धोया है जब तक कि पानी आपको क्लियर दिखे। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें मैं घी ऐड कर लूँगा। जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाए अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। हल्के फ्लेम में हमें इसे रोस्ट करना है, हमें कलर नहीं देना है। हल्का सा कलर चेंज होगा इसमें, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता है। और जब आपको इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाए इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो गया है, अच्छी सी स्मेल आ रही है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ। जैसे आप एक कप झंगोरा बना रहे हैं तो एक कप ही आप पानी यूज़ करिए, इक्वल क्वांटिटी। तो अब मैं इसे पानी ऐड कर लूँगा और इसको एकदम सिम फ्लेम में छोड़ दीजिए पकने के लिए। देखिए ये यहाँ पे पक गया है, ये पूरा नहीं पका है, ये 90% पका है, इतना ही हमें चाहिए अभी। अब मैं इसको इस पैन को साइड में रख लूँगा और एक पैन लेके अब उसमें घी ऐड कर लीजिए। घी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये घी गर्म हो गया है, मैं इसमें मस्टर्ड सीड ऐड कर लूँगा, राई थोड़ा सा सिजल करने लगे, चना दाल ऐड कर दीजिए, उड़द दाल, हल्का सा जैसे ही सौते हो जाए हल्की सी रोस्टी स्मेल आनी लग जाए इसमें हम पीनट्स ऐड कर लेंगे, मूंगफली, हल्का सा सौते करिए। यहाँ पे मेरे पास काजू हैं, मैं काजू ऐड कर लूँगा। जैसे ही आप देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है दाल का, अब इसमें आप ग्रीन चिलीज ऐड कर लीजिए, चॉप ग्रीन चिलीज। करी लीव्स, अदरक ऐड कर लीजिए, चॉप्ड अदरक, चॉप्ड प्याज, और यहाँ पे मैंने गाजर लिए हैं जो मैंने छोटे छोटे डाइसेस में काटा है, उसको ऐड कर लीजिए। देखिए ये सारे वेजिटेबल्स अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम इसमें लगभग एक कप पानी डाल देंगे, थोड़ा सा वो उपमा वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तो पानी हम बाद में भी डाल सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल एक कप पानी डाल रहा हूँ, हल्का सा पका लीजिए इसे। हल्का सा नमक ऐड कर लूँगा इसमें, पानी थोड़ा सा बॉईल में आ रहा है। अब इसमें हम ये झंगोरा मिला लेंगे, मेरे पास यहाँ पे थोड़े से मटर हैं, अब मैं यहाँ मटर मिला लूँगा और इस पैन को अब मैं सिम फ्लेम में 5 मिनट के लिए कवर कर लूँगा ताकि वो जो 10% बचा हुआ झंगोरा था वो यहाँ पे कुक हो जाए। अब चेक कर लेंगे हम कि झंगोरा अच्छे से पका है कि नहीं पका है। देखिए थोड़ा ड्राई हो गया है यहाँ पे, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगा मैं इसमें, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी है उपमा की वो थोड़ी सी लूज ही होनी चाहिए।
देखिए यहाँ पे अच्छे से पक गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चॉप धनिया ऐड कर लूँगा और नींबू का रस, और ये उपमा रेडी।